हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का बज चुका है 1:30 AM। आज हम जा रहे हैं गुड़गांव से बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड। देखो पकवान यात्रा हमारी सुख मंगलमय हो। और अभी हम पहुंचने वाले हैं द्वारिका एक्सप्रेसवे पे। गुड़गांव से बद्रीनाथ धाम 570 किलोमीटर दिखा रहा है। फिर क्या गर्मी, तो हेलमेट खोल लो। गर्मी तो फ्रेंड बहुत ही ज्यादा है इस साल। थोड़ा स्पीड में भगाया जाए। तभी मैंने गोप्रो ऑन कर दिया, वो व्यू अच्छा आता है। सारी रोडों में तो ये ट्रक ही ट्रकों ने रेड रोड दे रही है। हाँ, सुंदर लगती है ना।
लोगे तुम मेरे? अरे नहीं आएंगे ना? मैं पानी में पैर नीचे रखते, जूते पकड़ लेते। अरे बाप रे, इधर को चले जाओ। इधर को चले जाएंगे। ये कम भीग गया है, ये भीग गया। तब सूच तो मेरे भीग चुके हैं, पूरी ऑफ रोडिंग है हल्की हल्की। रोकूं? स्कूटी वाले से पूछो, ये आ रहे हैं वहां से। एक बार पूछ भी लो ना। अरे देखो पीछे से वो वाले ही हो। बैठ जाओ। नीचे से कोई आना जाए ना फिर कोई। यहाँ यही तो पंगा है ऐसे निकालने में।
नहीं नहीं थोड़ा साइट हो जाएंगे ना। लिखा हुआ अब ये माला से ले किसके कुछ लिखा रहेगा कि नहीं है आप एक एंगल होती है हम तो मैं जाएंगे विष्णु तिलक है राम तिलक है कृष्ण तिलक है सब तिलक है ये मत आप सोच रहे हो विष्णु तिलक है क्यों ये लग गया है कृष्ण विष्णु तिलक समझ रहे हैं ये राम के भी कृष्ण के भी है बाकी ना रहेगा जगह बच्चे थोड़ी सी मेरी हालत अभी कुछ इस तरह सी हो रखी है गंदी सी भी और अभी और यहाँ पे देखो अरे मुझे तो इधर को जाना था कह रहा है वो ऊपर देखो कितने बर्फ है और बादल भी लगे हैं यहाँ पे पता नहीं वो पर्ची दे रहे हैं ना कुछ तो दे रहे हैं शायद ये है देखो फ्रेंड्स भारत का प्रथम गांव माड़ा भी यहाँ पे टोकन मिल रहा है कुछ बाइक वालों का भी है क्या बाइक वालों का नहीं है सिर्फ कार वालों का किसको बजा रहा है सीटीओ Thank you.